मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शिक्षित युवा प्रत्याशी में काफी सक्रियता दिखाई दे रही है। बात करें सागर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गौरझामर की, जहां इस बार सरपंच पद के लिए 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक प्रत्याशी इंजीनियर श्रीमती अमलता साहू ने भी जनसेवा के उद्देश्य के लिए नगर के सभी वार्डो में भ्रमण किया, जहां देखने पर स्पष्ट हुआ कि पहले भी जीते प्रत्याशी जनप्रतिनिधियों का माननीय मोनी जी के गरीब कल्याण हितैषी योजनाओं पर जमीनी हकीकत में मूल रूप से कार्य नहीं किया गया। पूरी खबर देखिए क्या कुछ कहा ग्राम पंचायत सरपंच पद प्रत्याशी हेमलता साहू ने। इंजीनियर हेमलता सुनील साहू, आप सभी को सादर नमन नमस्कार प्रणाम। सभी गाँव वासियों को मेरा एक वादा है, मैं गौरझामर गांव ग्राम पंचायत को इस ओर ले जाना चाहती हूँ कि यहाँ की जो भी विकास के लिए आवश्यकताएं हैं, जैसे हमारे बस स्टैंड पे सुलभ शौचालय की बहुत अति आवश्यक है, महिलाएं बच्चे कहीं भी ना ही सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स ना होने के अति परेशान होती हैं। इसके साथ साथ हमारी माताएं बहनें जैसे सफाई की व्यवस्था को लेके झाड़ू लगाने वाला नहीं आता है, कचरा गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पर रोज नल नहीं आते, कभी कभी बिजली की परेशानी भी होती है। जो हमारे गांव में खेतों में जो लोग निवासरत हैं, इसके साथ साथ रोजगार की जो युवा वर्ग है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी है रोजगार की। रोजगार ना होने के कारण लोग अपने यहाँ से बाहर जा रहे थे, तो कुछ ऐसा रोजगार यहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़रूरत है, जिसमें हमारी माताएं बहनों के साथ साथ युवा वर्ग के लिए भी कुछ नया करने का मैंने प्रयास किया है। उसमें आप सभी का आशीर्वाद सहयोग मुझे अति आवश्यक है, तो इस आशीर्वाद की मैं कामना करती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा आत्मविश्वास है मुझे कि आप सभी हमारे साथ हैं और इसके आपका आशीर्वाद मुझे प्रदान करें।